नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, किस देश द्वारा भारत में ऑक्सीजन PPE भेजा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तत्काल समर्थन पैकेज के हिस्से के रूप में भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेजेगा। प्रश्न संख्या दो, किस कंपनी द्वारा भारत में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी? तो इसका सही उत्तर है निप्पन स्टील। स्टील मेकर आर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया अपने संयंत्रों से सीधा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए गुजरात में अपनी सुविधा में लगभग 250 बिस्तर के साथ एक अस्थायी चिकित्सा सुविधा स्थापित कर रही है। प्रश्न संख्या तीन, किसके द्वारा डॉक्टर और नर्सों को अपने घरेलू नेटवर्क पर मुफ्त लाने ले जाने की पेशकश की गई है? तो इसका सही उत्तर है विस्तारा। विस्तारा ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को अपने घरेलू नेटवर्क पर मुफ्त लाने ले जाने की पेशकश की है। प्रश्न संख्या चार, किस राज्य को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराकों की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में COVID-19 टीके की पर्याप्त खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराक का आदेश दिया है। प्रश्न संख्या पाँच, गूगल कंपनी द्वारा चिकित्सा आपूर्ति के लिए भारत में कितने करोड़ का वित्त पोषण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 135 करोड़। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक अभूतपूर्व उछाल के बीच गूगल चिकित्सा आपूर्ति के लिए 135 करोड़ का वित्त पोषण प्रदान करेगा और समुदायों को सामान्य रूप से मदद करेगा। प्रश्न संख्या 6, 2020 में भारतीय खेल उद्योग में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है 34%। भारतीय खेल उद्योग में स्पॉन्सरशिप, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, खेल वस्तुओं पर मीडिया खर्च में साल दर साल 34% की गिरावट देखी गई है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में तमिलनाडु में किस कंपनी द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अनुमति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज। तमिलनाडु सरकार ने वेदांत की सील स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को तूतीकोरिन में 4 महीने की अवधि के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए काम करने की अनुमति दी है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम परमाणु वैज्ञानिक थे और पोखरण सेकंड के परीक्षणों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के क्षेत्र निदेशक थे। प्रश्न संख्या 9, नासिक में कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है 9। नासिक में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बनाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, जम्मू कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5। जम्मू कश्मीर में 5 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी सहित भारतीय महिला टीम ने 25 अप्रैल 2021 को ग्वाटीमाला में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न संख्या 12, किस देश द्वारा टीका निर्माण के लिए कच्चे माल पर सीमा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका सरकार ने COVID-19 टीके के उत्पादन के लिए भारत में टीका निर्माता द्वारा आवश्यक कच्चे माल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 13, किस देश द्वारा COVID-19 को रोकने के लिए भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है इटली। इटली ने देश में COVID-19 वेरियंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न संख्या 14, किस देश द्वारा भारत को 80 MT ऑक्सीजन भेजी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब भारत को 80 MT ऑक्सीजन भेजेगा।
प्रश्न संख्या 15, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित की गई दूसरी महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है क्लोजाओ। क्लोजाओ ऑस्कर के इतिहास में दूसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस में 2021 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है। तो दोस्तों आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।